अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं पहचान, अ कॉन्वर्जेशन विद मी सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह दिस इज़ योर वीकली डोज ऑफ इंस्पिरेशन। हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों से मिलवाएं जिन्होंने अपनी ड्रीम्स को फॉलो किया है। आज के ज़माने में कहा जाता है इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आपने कुछ जहन में सोचा है, कोई आपका ऑब्जेक्टिव या ड्रीम है, तो आप कितनी खूबसूरती और कितने इफ़ेक्टिवली उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों को अपने साथ मिला सकते हैं और उनके साथ सिनर्जाइज कर सकते हैं, दैट इज़ द की टू सक्सेस। आज हम आपको लेके आए हैं एट द पावर हाउस ऑफ द कम्युनिकेशन बिजनेस। पाकिस्तान की लीडिंग कम्युनिकेशन हाउसेज में इसका शुमार किया जाता है, फ्रॉम हैविंग देयर ओन क्रिएटिव यूनिट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया बाइंग हाउस एंड ऑफकोर्स अ कपल ऑफ publications, they have it all. मैं बात कर रही हूँ सिनर्जी ग्रुप की और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अहमद कपाडिया, द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द सिनर्जी ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अहमद साहब, दिस इज सच एन इंस्पिरेशनल ऑफिस बिकॉज वी हैव बीन टू सो मेनी कॉर्पोरेट प्लेसेस, स्पेशली अगर मैं एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन की बात करूँ, एंड वेरी शॉर्टली हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे, बट द काइंड ऑफ टूर यू हैव गिवन ऑफ द प्लेस, इट्स वेरी वेल थॉट। छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया है, सो इज़ दिस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द विजन ऑफ सिनर्जी? ऑफ कोर्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द विजन, एंड लाइक दे से यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। सो इवन व्हेन ऑल द नेगेटिविटी सराउंड्स यू, यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड टेक आउट द बेस्ट। तो मैं जब नौकरियाँ करता था तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें आती थी कि अगर कभी कंपनी मैं बनाऊँ तो ये सारी चीज़ें मैं उसके ऑपोजिट करूँगा। सो वट एवर यू हैव सीन, इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ हाउ इट इज़ डन यूजुअली इन पाकिस्तान। सो वी हैव अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर थिंग्स, वी हैव एम्पावर्ड आवर पीपल इन सो मेनी थिंग्स। तो मैंने नहीं किया ऐसा ये, बट थ्रू द पीपल एंड क्रिएटिंग द राइट सिनर्जी इट कैन बी अचीव्ड। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आम तौर पे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और पीपल हु सेट अप देयर ओन बिजनेस, उनको लोकल ज़बान में सेठ कहा जाता है। हमारे सेठ के जहन में क्या चल रहा होता है जो छोटी छोटी चीज़ें आप देख के उनको सीख सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आपके ख्याल में क्या लकूना है, क्या डिफरेंस है, कहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है कि सेठ नहीं देख पाता ये सब? सेठ कैसे देख पाएगा? सेठ जो है वो तो उसको विरासत में मिला है ना। अच्छा, तो लोग ये कहते हैं कि जो कि मैं बड़ा केयरफुल हूँ कि मैं आगे जाके सेठ ना बनूँ, कहते होंगे कुछ मुझे भी, लेकिन एक सेठ जो है वो एक इस लाइक अ कॉन्सेप्ट विच इज़ इट्स अ माइंडसेट, एंड दैट आजकल नए लोग आ रहे हैं उसको चेंज कर रहे हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू यू नो गो टू दैट लेवल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देर इज़ अ पर्सन जो नीचे काम कर रहा है, उसके आपको उसके लेवल पर आना पड़ता है और फिर आप उससे बात करें इन ऑर्डर टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ हिम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू से दैट। अभी हाल ही में मेरी डॉक्टर सादिया से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि साउथ सिटी हॉस्पिटल के हवाले से वो भी ये कहती हैं कि जी टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है, इसके सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है। उन्होंने मिसाल दी अपने नर्सिंग स्टाफ की कि हम उनसे एक्सपेक्ट तो करते हैं कि वो हमेशा हाइजीनिक हों, अपना फुल 100% दें, बट एट टाइम्स दे कमिंग फ्रॉम प्लेसेस जहाँ पे घर पे पानी नहीं है। सो व्हेन आई वाज सेटिंग अप द फैसिलिटी, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उनके लिए भी शावर्स, उनके लिए भी एरिया इस तरह का बनाऊँ। सो आई थिंक देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट, बट समहाउ इट सीम्स डिफिकल्ट। नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, इट्स ऑल कॉमन सेंस व्हिच इज वेरी अनकॉमन, लेकिन सारा कॉमन सेंस है। हर एवरीथिंग कैन बी डन। आप जो सोचें, आप कुन फाय कुन, यू नो अल्लाह ताला की सिफात है उसमें, आप कुछ भी, अल्लाह ताला ने आपको वाइसरॉय इसीलिए बनाया है, सो वट एवर यू कैन थिंक ऑफ इट कैन बी डन। बट अहमद साहब, नाउ हैविंग सेड दैट, एक तो जहन में आता है ना कि अगर आपने आइडियल वर्क प्लेस बना दिया जहाँ पर आपने तमाम सहूलतें भी दी, जहाँ पर लोगों को एम्पावर भी कर दिया, तो यू नो टेक्स्ट बुक नॉलेज ही आपको कहेगी कि अब लोग आपके साथ लॉयल हो गए, नाउ पीपल वुड इन्जॉय वर्किंग इन अ प्लेस ऑफ दिस सॉर्ट। फ्रेडरिक टेलर भी बेचारा साइंटिफिक मैनेजमेंट में यही करते करते थक गया, लेकिन आई एम श्योर कि यू आर ऑल्सो फेस्ड विद द सेम चैलेंजेस दैट द अदर ऑफिसेज इन द इंडस्ट्री आर, कि लोग आते हैं चले जाते हैं, जब तक आप उनको ट्रेन करते हैं, जब तक आप उनको एक मकाम पर पहुँचाते हैं, उनको कोई बेहतर ऑफर होती है एंड दे मूव फॉर ग्रीनर पास्चर्स। हाउ डू यू कंट्रोल और हाउ डू यू ट्राई टू मैनेज एट लीस्ट द एम्प्लॉय टर्न ओवर? Oh, whatever you have seen, it's all part of the thing, the creating a system and creating a culture which they should understand, a culture of openness,
अ कल्चर ऑफ टेकिंग थिंग इन देयर ओन हैंड, खुद करें। यहाँ पर बड़ा एम्फेसाइज है कि जब मैं नौकरी करता था तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, तो आप करें, यहाँ तो हम देखते हैं भाई, आओ करना है तो करो, लेकिन यू आर राइट, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा। तो वी ऑल्सो हैव दिस प्रॉब्लम, वी ऑल्सो फेस विद दिस प्रॉब्लम, लेकिन यू कैन नॉट डू, यू सी, आप आइसोलेशन में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, और आपको मालूम है क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द, इन एवरी स्ट्रेटा, इन एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, वॉट इज़ हैपनिंग इज मीडियोक्रिटी इज अबंडेंस। ठीक है, तो आप कितनों को रोकेंगे? जब आप किसी को समझाएंगे उसकी समझ में नहीं आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आजकल सबका जोर है पैसों पे, तो आप व्हाई आर वी ब्लेमिंग देम, व्हाई डू वी ब्लेम आवर क्रिकेटर्स फॉर एग्जाम्पल, जब जब दूसरे कर रहे हैं तो दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड। बट व्हेन आई फेस अ बिगर चैलेंज, बिकॉज व्हेन दे कम हेयर दे सी एवरीथिंग इज ऑपोजिट, वी से दैट काम करने का एक ही तरीका है, वो दैट्स द राइट वे, बी ऑनेस्ट विद योर पीपल, बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट एंड बी ओपन। तो वो ये बातें ज़रा मुश्किल से हज़म होती है ना, मुश्किल से हज़म होती है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अ लॉट ऑफ टाइम्स, जो मैंने शुरू में आपसे बात की, जैसे कि जो सेठ का हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, द सेठ फील्स कि एम्पावरमेंट डज नॉट हेल्प देम, उनका बिल्कुल वो पाकिस्तान को जैसे हमारे पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, सेठ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वैसे चला वो करते हैं, इसलिए कि वो इनसिक्योरिटी है सारी। अच्छा, वो इनसिक्योरिटी ये होती है कि अगर, जो मैंने भी फेस की है, और या ये सॉरी सेठ के साथ नहीं, ये जो मैनेजर्स होते हैं इनके साथ भी होती है, कि अगर मैंने किसी को सिखा दिया तो वो ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को सिखाएंगे तो दैट पर्सन विल बिकम एन एसेट फॉर यू। सो इफ यू आर गोइंग टू माइक्रो मैनेज एवरीथिंग और एम्पावर आप करेंगे नहीं, तो हाउ विल यू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन? So you started back in 1997 और आपकी पहली 1999 लेकिन पहली जॉब आपकी कहाँ पे और कैसे थी? मैंने MNJ में की थी पहली जॉब जावेद जवाहर साहब के साथ, 86 जुलाई 87 में, वो आई वॉज अ क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो आई स्टार्ट ऑफ माई करियर फ्रॉम देयर। बट लेकिन उससे पहले मैंने 2 साल एक बैंक में भी काम किया था, विच वॉज अ डिजास्टर फॉर मी, बट एनी वे आई शिफ्टेड माई करियर फ्रॉम। आपने कैसे सोचा है कि आपको एडवर्टाइजिंग में स्पेशली क्लाइंट सर्विसेज में आना चाहिए? इस वक्त इफ़ आई स्पीक टू एनी यंग ग्रेजुएट, वो कहता है कि सब कुछ करना है, क्लाइंट सर्विसिंग नहीं करनी, बहुत मुश्किल काम है। चले, उनको मालूम है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था मैंने करना क्या है। मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही थी, तो माय फादर लतीफ़ कपाड़िया, मैं यही नहीं हूँ, जावेद जब्बार, एक और उनके दोस्त हैं SM शायद, उन्होंने कहा जाओ जावेद साहब से जाके मिलो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो नौकरी करनी थी, मुझे मालूम नहीं था एडवर्टाइजिंग के बारे में ना, आई हैड नो आइडिया। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट एडवर्टाइजिंग इज दैट इफ वंस यू गेट इनटू इट एंड इन पाकिस्तान यू लर्न सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, दैट यू टेंड टू बिकम अ गुड यू नो मैनेज थिंग्स एंड अ मैनेजर। बट इट इज़ अ फील फॉर पीपल जिनके पास पीपल स्किल्स बहुत अच्छे हो, तो आपको लगता है कि आपकी भी स्ट्रेंथ यही थी? That you realize, because पाकिस्तान में mentorship तो होती नहीं है ना, तो strength तो मुझे नहीं समझ में आई थी। मुझे समझ में आई थी जब मैं 8 साल के बाद एक जगह जॉब करने गया था, there were 100 people reporting to me, and then I realized कि oh I know a little bit about managing people, and that's really was a turning point in my career that I then started believing in myself. उससे पहले आई हैड लॉट ऑफ सेल्फ डाउट कि आई कांट, यू नो, आई डोंट नो मेनी सो मेनी थिंग्स व्हिच आई स्टिल डोंट नो। तो आपने MNJ एडवर्टाइजिंग में कब तक काम किया और वहाँ पे किन क्लाइंट्स के साथ, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस ऑल अबाउट? आई वर्कड टिल 89, 3 इयर्स आई वर्कड देयर, एंड आई यूज्ड टू हैंडल नेशनल फूड, इंग्लिश बिस्किट, एंड आई यूज्ड टू वर्क विद सम अदर बिग नेम्स, आई वाज जस्ट अ क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फेज था शुरू के 6 महीने, when I, Javed Saab was in politics, he was a senator. So I used to go along with him to Thar Parker, and because he was a politician, so he was in central jail. So I learned many things in the car sitting with him. Right. He taught me quite a few things, you know, in the way, by the way you converse with people. So I learned a few things and I picked it up.
So, wo bada interesting experience. So, definitely, life throws you a number of very interesting opportunities. Aap un waqiat se, un experiences se kya seekhte hain, ye aapke apne upar hota hai. Lekin kabhi kabhar bilkul formal classroom arrangement nahi aapko milega. Yahi mauke hote hain seekhne ke aur aage badhne ke. Is bare mein mazid baat karenge. There are very interesting things lined up in this interview. So, stay with us. We'll take a short break.